मंदिर वाले में बच गए थे ना लोग, मंदिर हाँ यहाँ के लोग बच गए थे, इस कमरे से काफी लोग सिंगल जी उस बाहर के कमरे में थे वहाँ अंदर। अच्छा, वो यहाँ से निकाल ले जाते थे, बाहर गोली मारते थे। जो पुलिस का होता नहीं है उसमें वो कीली गाड़े हुए थे। हे गाइस, जय श्री राम, मैं सुनील पांडे स्वागत करता हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा स्पेशल, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने श्री राम के पास। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं जा रहा हूँ अयोध्या। और काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था, जाने का प्लान कर रहा था लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली अचानक रात में प्लान बना। वैसे तो प्लानिंग थी पूरे परिवार के साथ जाने की, बट अभी प्लान हुआ है अचानक अपने दोस्त के साथ जाने की। तो निकल पड़ा हूँ और मैं पहुँच गया हूँ अभी सिविल लाइन में, थोड़ी दूर पे उसका होटल है, फिर वहाँ से निकलेंगे हम साथ में। तो गाइस चलते हैं अपने प्रभु श्री राम के पास, बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, और आपको मेरे द्वारा हो सके भगवान के दर्शन भी हो जाएं जो लोग नहीं जा पाए। सो गाइस निकलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ से करीबन 2.5-3 घंटा लगेगा। सो गाइस पहुँच गया हूँ, ये है होटल, अब यहाँ से हम चलेंगे इस कार पे। सो गाइस बज गए हैं सुबह के 7, और मेरे साथ हैं मिस्टर वशिष्ठ द्विवेदी, सनातनी, प्योर सनातनी, हमेशा टीका चंदन लगा रहता है, मैं तो प्योर नहीं हूँ। सो गाइस चल रहे हैं अब अयोध्या धाम, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, और यहाँ से करीबन 2.5-3 घंटा लगेगा। 3 घंटा? हाँ, 3 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा मान के चलिए आप। वैसे आज मैं बन गया हूँ पूरा सनातनी, टीका चंदन तो नहीं लगाता हूँ, और आज मैंने पहन लिया है भगवा। सो गाइस है लंबा सफर, तो बीच में रुके हैं चाय पीने के लिए, भाई साहब ने सजेस्ट किया बहुत अच्छी चाय मिलती है, तो चल रहे अभी चाय पीने। 2 चाय कर दीजिए भैया। सो गाइस ले लिया है चाय, गाइस चाय पीने के बाद अब चल दिए हैं अयोध्या धाम के लिए। चलो भैया चलो। जय श्री राम। चलो भैया जय श्री राम। सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या, यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है। भैया तुम सामने ध्यान दो यार। So guys, पहुंच चुके हैं लगभग हम लोग, और ट्रैफिक से समझ में आ रहा होगा आज है शनिवार, उम्मीद करते हैं कि आज वहां ट्रैफिक खूब होगा और भीड़ भी होगी, दर्शन करने में शायद देरी भी हो सकती है। क्यों? हाँ बहुत देरी होगी, शनिवार है, 4-5 घंटे लगेगा। 4? डरा रहे क्या? नहीं डरा नहीं गया, सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। सो गाइस लेट्स सी क्या होता है, आए हैं दर्शन करके ही जाएंगे। सो गाइस ये है अयोध्या धाम का एंट्री प्लेस, वाकई बहुत खूबसूरत है यार। गाइस हम एंट्री कर चुके हैं गेट से, और ये देखिए गाइस यहाँ से गाड़ियों का अंदर जाना मना है, ये गेट जो है यहाँ से छोटे छोटे ई रिक्शे चल रहे हैं जिससे हमें जाना होगा। बाकी हम एक जगह देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं, वहाँ जा रहे हैं। सो गाइस कर दिया है गाड़ी पार्क, और लग रही थी गर्मी तो उतार दिए हैं सब कुछ। एसी या नॉन एसी में आप देख सकते हैं, ये मेन द्वार जो मैंने आपको आते समय दिखाया था। तो
चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगते हुए। हाँ जी हाँ जी, और लोग काफी उत्साहित है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे बसेस भी चल रही हैं जिसमें अभी हम बैठ चुके हैं। सो गाइस इस समय हम पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौराहे पे, आप देख सकते हैं ये। तो गाइस ठीक अपोजिट आप देख सकते हैं यहाँ पे है सरयू घाट। हो गया स्नान। गाइस नहाने की प्लानिंग थी लेकिन बैग में ही सब कुछ रह गया इसलिए नहीं नहाया हमने। सो गाइस फिर से चढ़ गए हैं बस में और जय श्री राम। तो हम लोग इंटर कर चुके हैं अभी राम मंदिर के मेन दरबार से और यहाँ से अब चल के जाना है हमको। तो गाइस हमने चेक पोस्ट पास कर लिया है और हम जा रहे हैं अंदर। देखो भैया राम था तो राम लिखवाने वाले थे, लिख दिया राम, आगे बहुत मिलेगा सर, आगे बहुत ढूंढ लिया, इनके चक्कर में रामों ने लिखवा पाए, ऐसे राम भक्त रहेंगे साथ में घंटा सात। सो गाइस अभी हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं किया था इन्होंने और अभी तुरंत हमको मिला है मोबाइल तो बना रहे हैं बाहर निकलते वक्त का, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बना रहे हैं अभी प्रोसेस में है ये। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर साल भर बाद आएंगे तो उनको एक्चुअल राम मंदिर दिखाई देगा। अभी बहुत सारा काम बाकी है, चल रहा है पूरा, पूरी टीम अभी लगी हुई है, जहाँ पे आपने जो वीडियो में देखा होगा सेम चीज़ है लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, पूरा मशीन उसीन लग गया है पूरा। सुबह राम मंदिर के बाद अब आ गए हैं हनुमानगढ़ी, जहाँ पे अभी देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ पे भी एक घंटा एक डेढ़ घंटा लगेगा, इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कहाँ के लिए घूमेंगे लोग। सो गाइस अब चलते हैं लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। सो गाइस आए हैं एक शॉप में जहाँ पे ये जो आजकल लगा रहे हैं सब, तो हमने तीन पीस ले लिया है, जय श्री राम का, सीता राम का और शंकर भगवान का। क्या भी बोला था नहीं बजाना आता है। तो भाई हनुमान जी का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम भी करना था और यहाँ पे भी काफी लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, कम से कम दो ढाई घंटे लग जाएंगे। तो प्लानिंग ये है कि अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, हम तो वैसे ही पास में ही है, तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे और श्री राम के दर्शन तो होंगे और अच्छे से, क्योंकि इस बार भी राम के भी दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए क्योंकि साइड से हम लोग निकल गए। तो अब ये है कि कैसे कहाँ कैसे जाना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, रास्ता में क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और अच्छे से दर्शन होगा। सो गाइस एक ऐसी जगह मैं आना चाह रहा था, बहुत दिनों से प्लानिंग थी, यहाँ पे मैं वीडियो देखता था और आ नहीं पा रहा था। ये वो जगह है जहाँ पे कोठारी ब्रदर्स, जिनके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाए, आपने देखा होगा ऑनलाइन, इसी कमरे में थे है ना, आसपास में कहीं थे जहाँ पे उनका इसी कमरे ये वाला सामने वाला कमरा है जो आप देख रहे हैं। तो अशोक सिंगल अगर आप जानते हैं उनके बारे में तो जरूर देखिएगा, ये वही जगह है और बहुत दिनों से तमन्ना थी आज आ गया, लेकिन मेन जिनसे मिलना था, क्या नाम था उनका, भारती जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा कार सेवकों को बचाने में, उनकी सेवा में और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी, तो वो तमन्ना पूरी नहीं हो पाई लेकिन अगली बार फिर से आएंगे। तो ये यहाँ नहीं रहती है क्या, वो मकान दूसरा मंदिर है, ये मंदिर यही है, अशोक सिंघल थे और कई लोग थे, यहाँ 200 आदमियों की गोली लगी यहीं पर।
एक आदमी वो साइड में कुआं है उसमें उसकी लाश बाद में मिली है। हाँ हाँ बाद में ढूंढ रहे थे, नहीं मिला बाद में। ये वाले कुएं में सो गाइस ये एक कुआं और है, जब कार सेवक भाग रहे थे छुप रहे थे तो इसमें गिर के मर गए थे वो लोग। तो वो तो गोली लगी थी ना उनको? सबको गोली लगी, सबको गोली लगी थी। पुलिस वालों ने निकाल निकाल के मारा था। हाँ निकाल निकाल के मारा था, और जो बचने मैंने किसी तरह से बच भी जाता उसको भी लाल ले, उसमें से एक आदमी बचा था जो पुलिस वाले लाल ले गए थे जहाँ फेंके थे। कैमरामैन था ना? हाँ कैमरामैन जो प्राण प्रतिष्ठा में देखा होगा खड़े थे बगल में। हाँ मोदी बगल में इस तरफ अपोजिट साइड मीटिंग में देखना दिखेगा। बलिदान भैया सब ये इसमें जो थे सब लोग बच गए? नहीं मंदिर वाले में बच गए थे ना लोग? मंदिर हाँ यहाँ के लोग बच गए थे, इस कमरे से काफी लोग। अशोक सिंगल जी 20-25 लोग इस कमरे में। अशोक सिंगल जी कुछ बाहर के कमरे में थे, वहाँ अंदर। अच्छा वो उनके सर में चोट लगी थी, पत्थर लगा था। अभी 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 भी गोलियों के निशान है उसमें? हाँ उसमें गोलियों का निशान है, लेकिन अंधेरा है थोड़ा सा भी। तो अगर अब आ गए हैं तो 2 मिनट दिखा देंगे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। दिखा देंगे अब जब आप जूता उतार देना। सो गाइस राम सेवक जो करीबन 25-30 लोग इस कमरे में छुपे हुए थे। हाँ यहाँ अशोक सिंगल जी अंधेरा है भाई। हाँ हाँ अभी तो लाइट जलाना पड़ेगा। एक मिनट में दिखा रहा हूँ लाइट। अशोक सिंगल जी इस कमरे में छुपे हुए थे, वो बच गए थे। अच्छा इसको अभी ऐसे ही छोड़ा गया? ऐसे जो कहते हो सब पड़ा हुआ इसमें, गोलियों के इतने निशान है कि अब आप इसी में कहें अशोक सिंगल जी छिपे हुए इस वाले में ना। हाँ सुबह निशानी के तौर पे अभी इसको ऐसे रखा गया है। अभी इसी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा करते ऐसा कपड़े उपड़े सब ऐसे पकड़े। कपड़ा है ना ये, क्या है ये? बोरी कपड़ा पता नहीं क्या क्या है। जी जी और एक और था ना जिसमें 20-25 लोग गए थे, ये वाला है ना? बता दे। इसमें काफी लोग थे, यहाँ विंडो लगा हुआ था, इसी से लोग बाहर को निकले हैं। जितने लोग निकलते गए उनको गोली लगती है। तो ये नहीं निकलते तो गोली नहीं, ये गोलियों के निशान। गोली तो यहाँ भी लगती है, लेकिन जो यहाँ की जो थी पुलिस या कुछ जो भी रहे हों वो यहाँ से निकाल ले जाते थे, बाहर गोली मारते थे, और जो छत पे थे वो जो इधर से कूदता था छत में, तो भारती जी बाद में भागी गई थी ना? हाँ हाँ भारती जी वहाँ छत पे किसी तरह से उनको भी वो लगा था डंडे, कील वाले डंडे लगे थे। ये खिड़की थी यहाँ से पुलिस उन्हें तोड़ तोड़ के देख रही थी सब, है ना? तो कील वाले उनके बैंक जो पुलिस का होता नहीं है उसमें वो कील ही गाड़े हुए थे, भारती जी को लगा था। तो गाइस तो ये यहाँ की थी अनसुनी कहानी जो बहुत कम लोगों को मालूम है। यहाँ बड़ी तमन्ना थी कि मैं जब राम मंदिर आऊंगा दर्शन करने के लिए तो मैं वहाँ से होने के बाद यहीं पे आऊंगा। उनकी सिस्टर और कोठारी जी की ये झंडा वगैरह उन्होंने लगवाई है और काफी अपना, और फिर आने के कई लोग थे उनके सिस्टर थी उनकी, वो आई थी और कहे कि अब हम आएंगे तो पूरे परिवार से आएंगे तब यहाँ, और इनके नाम से हम लोग कोठारी बंधु के नाम से हम लोग यहाँ कीर्तन करते हैं और भजन भी उनके नाम से, और उनके नाम से हवन भी करवाया जाता है। और ये वो सीढ़ी है ना छत? हाँ वो छत वाली सीढ़ी जो कुछ हम लोग भाई जैसे जो हमारे पास है वो हम के उसमें करते। दोनों भाई सर पर पहले एक को लगी वो घटना तो आंसू निकल आते हैं। नहीं नहीं सही बात है, मैंने देखा इस वीडियो को, मैंने काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस देखे इन सब के बारे में। तब मेरी इच्छा हुई कि मुझे यहाँ आना है, कभी भी आना तो आना है। नहीं तो पहले जितने चैनल था सब लोग यहाँ आ चुके, अब वो अस्वस्थ हो गई है थोड़ा सा। बिल्कुल अस्वस्थ हो चुकी है क्योंकि 75 ईयर्स है उनकी उम्र,
तो भाई जितने चैनल वाले आए सब काफ़ी सब दूर दूर से आए, तो भाई उनको आना पड़ा। अब आना पड़ा तो बोलना पड़ा, बताना पड़ा, तो उस बीच में अस्वस्थ हो गई है थोड़ा सा। ये प्रण था कि जिस दिन राम लला यहाँ अपने मकान में आएंगे उस दिन इसकी फिर से मरम्मत की जाएगी। हाँ बिल्कुल की जाएगी, अब बस थोड़े ही दिन के समय है, बस इसकी मरम्मत हो जाएगी। मरम्मत क्या, फिर से टूट करके फिर से पूरा बनेगा। हाँ बनेगा, लेकिन अगर मरम्मत करवाएंगे तो इसकी फिर जो यादें हैं यादें छुप जाएंगी, इतिहास तो छुप जाएगा। हाँ। लेकिन तो अब लेकिन वो स्थान रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात आपने हमें बताया यहाँ के बारे में, वैसे जो मालूम था तो मालूम था ही, वही सेम आपने बताया, और आपके मुंह से सुन के लोगों को भी शायद यकीन होगी हाँ भाई ये सच्ची कहानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। और गाइस बता रहा हूँ मैं आपको, किसी की एंट्री नहीं है, देखिए आप बाहर पूरी भीड़ लगी है, रिक्वेस्ट किया इनसे तब जाके इन्होंने अलाउ किया अंदर आने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। अगर ये जो पार्ट है जो अभी मैंने आपको दिखाया 10 मिनट का, ये अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ अपना कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि जो कार सेवक थे उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या जानते हैं आप उनके बारे में, और ये वाले जो कोठारी ब्रदर्स के बारे में जो मैंने बताया आपको, इसके बारे में जरूर कमेंट्स में करके बताइएगा। थैंक यू गाइस, अब निकलते हैं गाइस, यहाँ से निकलना है हमको। तो गाइस हो रहा है दोपहर का खाना और ले लिया हमने थाली, सुबह से कुछ नहीं खाया था हमने, ये तो भैया बंद मार रहे हैं सुबह तो चाय के साथ, इसीलिए बकर बकर पूछ चल रहा था। सो गाइस अब हम निकल पड़े हैं वापस, और जाते जाते रास्ते में हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां गुड़ बन रहा है। ये देखिए ये पूरा गुड़ है, खाओ खिलाओ खिलाओ भैया, टेस्ट कराइए, खाओ 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 भैया खाओ। तो यही है, नहीं मैं तो मेरे को मालूम है कैसा होता है, खिलाओ खिलाओ क्या हमको नहीं पता, खाओ 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 कैसा है, और दो बहुत और जी और जी बस, बस, नहीं और लो थोड़ा सा लो। इस अचानक प्लान बन गया कि गुड़ भी लेना है यहाँ से, तो अब आए हैं यहाँ पे देखने के लिए और इसको लेके हम निकलेंगे। करीबन रात के 8 बज गया, अभी पहुँचने में कम से कम हमको 11 बजेगा। सो अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, ये देखिए दो डब्बे में सिरका है, हम यहाँ से गाड़ी में बैठ के सिरका है प्लस गन्ने का जूस है, सिरका लिए है गन्ने का जूस लिए है, यो लिए हम वो लिए, तो गन्ने का जूस जो है अब यही सिरका गन्ने का जूस लेते लेते 8:30 बज गए हैं, सिरका बना लिया और जहाँ तक उम्मीद लग रही है रात के 11:30-11:30 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। सुबह पहुँच चुके हैं घर और कल रात आने में काफ़ी लेट हो गया, करीबन 12:30-1 बज गया था और हम लोग थके हुए भी थे, सुबह से निकले थे तो आते ही सो गया। सो गाइज होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, जिसमें हमने वैसे मंदिर का दर्शन तो नहीं करा पाए क्योंकि मोबाइल की एंट्री नहीं थी, पर जितना भी था जितना दिखा सकते जहाँ तक उतना हमने आपको दिखाया, और स्पेशली वो कार सेवको वाला जो मंदिर जहाँ पे ये गोली कांड हुआ था जिसमें कोठारी ब्रदर्स की जान गई थी और बाकी लोग भी थे, होप आपको पसंद आएगा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।